कैची धाम मंदिर उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक और धार्मिक स्थल है। इस मंदिर की स्थापना बाबा नीम करौली महाराज द्वारा की गई थी। यह स्थान हिमालय की गोद में स्थित है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति देश विदेश के अनेक श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। बाबा नीम करौली महाराज, जिन्हें नीम करौली बाबा, नीम करौली बाबा या महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के महान संतों में से एक थे। उनका जन्म 1900 के दशक की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उन्होंने युवा अवस्था में ही सांसारिक जीवन त्याग कर साधु जीवन अपना लिया था और विभिन्न स्थानों पर ध्यान और साधना में लगे रहे। उन्होंने अपने भक्तों के लिए अनेक चमत्कार किए और कई लोगों की जिंदगी को सकारात्मक दिशा में मोड़ा। कहा जाता है कि 1960 के दशक में बाबा नीम करौली महाराज ने इस स्थान को चुना और यहाँ पर एक आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम को अब कैची धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर स्थित मंदिर बाबा नीम करौली महाराज की याद में बनाया गया है। मंदिर का मुख्य देवता हनुमान जी हैं, जो कि महाराज जी के सबसे प्रिय देवता थे। कैची धाम मंदिर की वास्तुकला अत्यंत साधारण है, लेकिन इसमें गहराई से आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस की जा सकती है। यहाँ पर हनुमान जी की एक बड़ी प्रतिमा स्थापित है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। मंदिर परिसर में अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर हैं, जिनमें श्री राम, सीता, लक्ष्मण और दुर्गा माँ के मंदिर शामिल हैं। कैची धाम का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हर वर्ष जून महीने में बाबा नीम करौली महाराज की पुण्यतिथि पर एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस मेले में भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और बाबा के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। इस मेले में भजन कीर्तन, भंडारे और धार्मिक प्रवचन आयोजित किए जाते हैं, जो कि भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। बाबा नीम करौली महाराज के चमत्कारों की कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि उन्होंने कई बार अपने भक्तों को कठिनाइयों से उबारा और उनकी मनोकामनाएं पूरी की। उनके चमत्कारों में से एक प्रसिद्ध कथा है, जब उन्होंने बिना किसी यात्रा दस्तावेज के विदेश यात्रा की थी। इसके अलावा उनके द्वारा अपने भक्तों की बीमारी ठीक करना, संकटों से बचाना और अन्य चमत्कारों की अनेक कथाएं भक्तों के बीच प्रचलित हैं। बाबा नीम करौली महाराज ने हमेशा प्रेम, सेवा और सरलता को प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि भगवान हर जीव में बसे हुए हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में दूसरों की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने सिखाया कि सेवा ही सच्ची भक्ति है और इससे व्यक्ति को आत्मसंतोष और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। कैची धाम हिमालय की गोद में स्थित है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति अद्वितीय है। मंदिर के चारों ओर हरे भरे पेड़, नदियाँ और पहाड़ हैं, जो इस स्थान को और भी अधिक आकर्षक बनाते हैं। यहाँ की हवा में एक अद्भुत शांति और ताजगी है, जो भक्तों को मानसिक शांति और आंतरिक खुशी प्रदान करती है। कैची धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर धर्मशालाएं, भोजनालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं हैं, जो भक्तों के प्रवास को आरामदायक बनाती हैं। मंदिर प्रशासन भी भक्तों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास करता है और उनके प्रवास को सुखद बनाने के लिए तत्पर रहता है। आधुनिक युग में कैची धाम की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई है। विशेषकर बाबा नीम करौली महाराज के पश्चिमी भक्तों जैसे कि स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और जूलिया रॉबर्ट्स ने इस स्थान को और भी अधिक लोकप्रिय बना दिया है। उन्होंने अपने जीवन के कठिन समय में यहाँ पर शांति और मार्गदर्शन प्राप्त किया और इस अनुभव को दुनिया के साथ साझा किया।
कैंची धाम मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां पर श्रद्धा, भक्ति और शांति का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। बाबा नीम करौली महाराज के आशीर्वाद से यह स्थान अनगिनत भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का कार्य करता है। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक सुंदरता प्रत्येक आगंतुक को आत्मिक संतोष और आंतरिक शांति प्रदान करती है। कैंची धाम मंदिर की यात्रा केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा भी है जो व्यक्ति को आत्मविश्लेषण और आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रेरित करती है। बाबा नीम करौली महाराज के उपदेश और उनके जीवन की कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और सेवा से ही जीवन का वास्तविक अर्थ पाया जा सकता है। आइए अब इस स्थान से जुड़े अन्य पहलुओं और घटनाओं पर और विस्तार से चर्चा करें। बाबा नीम करौली महाराज ने अपने जीवन में अनेक उपदेश दिए जो आज भी उनके भक्तों के लिए मार्गदर्शक हैं। बाबा का मानना था कि सेवा ही सच्ची भक्ति है। उन्होंने हमेशा दूसरों की सेवा करने पर जोर दिया। वे कहते थे कि भगवान हर जीव में बसे हुए हैं और उनकी सेवा करके हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। बाबा ने हमेशा प्रेम और करुणा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में भगवान का वास है और हमें सभी के साथ प्रेम और करुणा से पेश आना चाहिए। बाबा ने सादगी और सरलता को जीवन का मूल मंत्र माना। उनका मानना था कि एक सादगीपूर्ण जीवन जीने से हम अपने भीतर के सत्य को पा सकते हैं और आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। बाबा नीम करौली महाराज के चमत्कारों की कहानियां उनके भक्तों के बीच बहुत प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि बाबा ने एक बार एक मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित किया था। यह घटना उनके भक्तों के बीच बहुत प्रसिद्ध है और इसे उनकी दिव्य शक्ति का प्रमाण माना जाता है। बाबा ने अनेक लोगों की गंभीर बीमारियां ठीक की थीं। उनके चमत्कारिक उपचार से अनेक लोग स्वस्थ हो गए और उन्हें नया जीवन मिला। बाबा के पास अद्वितीय दूरदर्शिता थी। वे अक्सर अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान बिना उनकी बात सुने ही कर देते थे। उनके पास आने वाले भक्तों को वे उनके मन की बात कहे बिना ही समझ लेते थे। कैंची धाम में अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हर साल यहां बाबा की पुण्यतिथि पर एक विशाल मेला लगता है जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस मेले में भजन कीर्तन, प्रवचन और भंडारे का आयोजन होता है। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक त्योहारों पर भी यहां विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कैंची धाम की आध्यात्मिक ऊर्जा यहां आने वाले हर व्यक्ति को महसूस होती है। यहां का शांत वातावरण और आध्यात्मिक माहौल व्यक्ति के मन को शांति और संतोष प्रदान करता है। यहां आकर व्यक्ति अपने सारे तनाव और चिंताओं को भूल जाता है और एक नई ऊर्जा से भर जाता है। कैंची धाम की यात्रा के लिए भारत और विदेशों से हजारों भक्त आते हैं। यहां आने वाले यात्रियों के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। मंदिर के पास ही रहने के लिए धर्मशालाएं और भोजनालय हैं, जहां पर यात्रियों को सस्ते और अच्छे भोजन की सुविधा मिलती है। इसके अलावा यहां पर सभी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जो यात्रियों के प्रवास को आरामदायक बनाती हैं। कैंची धाम मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जो व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती है। बाबा नीम करौली महाराज के उपदेश और उनके जीवन की कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और सेवा ही जीवन का वास्तविक अर्थ है। यहां की आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक सुंदरता हर आगंतुक को एक अनूठा अनुभव प्रदान करती है। चाहे वह भक्त हो या पर्यटक, कैंची धाम का वातावरण हर किसी को अपने भीतर झांकने और आत्मिक शांति पाने के लिए प्रेरित करता है।